अच्छा क्या वैसे नियर फ्यूचर में हम कोई उम्मीद रख सकते हैं एक पेपॉल की और दूसरा अमेजोन बाइंग की बहुत बड़ी सहूलत है अगर कॉम को मिल जाए कोई नियर फ्यूचर में है कोई ये तो हमारी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा देखें सबसे पहले तो आईटी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है प्रोडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी नए मुल्क में जाती है तो उसने एक प्लान करना होता है फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है जब आपको पता ही नहीं कि नई हुकूमत आएगी और सारा कुछ बदल जाएगा बदल तो आप जाएगा। कैसे प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन बाज जगह हम देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टानेशनल कंपनीज हैं आई टी आई कंपनीज खास तौर तो पर जब ये देखते हैं कि ये पच्चीस करोड़ की मार्केट है तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है हाँ तो लेकिन फिर वो रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान के मामले में वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं है देखिए पाकिस्तान में बाइंग पावर थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और ऑपरचुनिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे गैप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको आई बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकती है तो वो भी ऑपरचुनिटी है uh, मेरे ख़्याल में कि हमें एक तो जैसे मैंने कहा अपने स्किल ऊपर करने की ज़रूरत है ताकि उनको यहाँ पे लेबर मिल सके बाय द वे पाकिस्तान में ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी तक हमारा बहुत यहाँ पे जो डेवलपमेंट है या कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत लो है तो हमें जैसे मैंने कहा कि स्किल्स ऊपर करने की जरूरत है थोड़ा सा एथिक्स और मोरालिटी को बेहतर करने की जरूरत है क्योंकि एक थोड़ा सा परसेप्शन ये होता है कि पाकिस्तान में एक कल्चर में ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी वो वाला एक कल्चर एग्जिस्ट करता है कि प्रॉमिस ज़्यादा कर लेते हैं और अक्सर बता देते हैं कि ये भी आता है ये भी आता है जबकि वो चीज़ें आती, आती नहीं, नहीं होती आती नहीं। और फिर अंडर डिलीवरी या वो अंडर वेलमिंग टाइप ऑफ डिलीवरी होती है तो वो थोड़ा सा परसेप्शन ठीक करने की जरूरत है मैडम मैं काफी अरसे से ये सुन रहा हूँ कि फाइव जी फाइव जी आ रहा है फाइव जी आ रहा है ये कहाँ के रास्ते में रुक गया तो चले उस वक्त से जब वो आया था अनिल कपूर का गाना ए जी ओ जी लो जी सुनो फोर जी फाइव जी ये कब आएगा अच्छा हम 5G की आमद का उस वक्त से इंतजार कर रहे हैं जब अभी 5G दुनिया में आया भी नहीं था हमारे हुक्मरानों ने पहले ही हमें कहना शुरू कर दिया था कि जी एक 5G आ रहा है और वो सबसे सब पहले पाकिस्तान में ही आएगा या माथा टेकेगा आके ये वही हो गया अनिल कपूर वाला ही है आ, जी सो जी, जी हो गए <laughs> देखो जुनैद सलीम जब बड़ी छलांग लगानी होती है ना तो चार कदम पीछे हटना पड़ता है लेकिन मैडम आप चार कदम नहीं पीछे हटी ना आप कोई बीस पच्चीस कदम पीछे हट गए मेरा ख्याल फाइव जी पे जाने की बजाय आप कॉम को वन जी पे ले गई है

उसकी ऑब्वियसली वो बाहर से आएगा ठीक है तो एक तो ये कि अभी हमारा वैसे ही थोड़ा जो अब ट्रेड डिफिसिट और हमारे जो इकोनॉमिक हालात है उसमें बड़ी डिप्लॉयमेंट तो इस वक्त पाकिस्तान में करना थोड़ा सा मुझे आ, चैलेंजिंग लग रहा है मगर छोटी डिप्लॉयमेंट्स पॉकेट डिप्लॉयमेंट्स की जा सकती हैं उसके लिए बहुत डेंस डिप्लॉयमेंट चाहिए होती है 5G के लिए जो है वो एक बहुत डेंस एंटेनाज आपको लगाने होते हैं क्योंकि उसकी जैसे 4G लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है फाइव इतने लंबे डिस्टेंसेज ट्रैवल नहीं कर सकता फाइव लंबे डिस्टेंसेज तय नहीं कर सकता नहीं 5G की जो जो वेवलेंथ होती है वो छोटी छोटी होती है। छोटी होती है तो इस वजह से जो है वो बहुत लंबे उसके उसके लिए आपको डेंस डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है स्मॉल हम कहते हैं तो वो जो है अभी पाकिस्तान में कहीं पे पॉकेट डिप्लॉयमेंट तो हो सकती है मगर पूरे पाकिस्तान में कव, कवरेज के लिए वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन एंटेना का आपने जिक्र किया एंटेना टेक्नोलॉजी में तो पाकिस्तानियों ने हद कर दी हुई है ना मतलब पाकिस्तानी बच्चे बच्चे ने वो दौर देखा हुआ है ट्रेन हुआ हुआ है जब वो एंटीना टीवी के ठीक किया करते थे अरे थोड़ा संजय ठीक बा, 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 है ये ये ऊंचा हाँ हमें तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो हम चैनल भी ले आया करते थे जो वजूद में नहीं होते थे कहीं। देखे मोबाइल सिर्फ तुम्हें सबको नहीं है देखिए आजकल तो एंटीना है भी नहीं मोबाइल के ऊपर जो तो मोबाइल सुन बंदा अपने सिर में एंटीना बना लेता हेलो ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਦਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜਣਾ ਪਾ ਦੋ ਹੈਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਅਗਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ अगला साफ बोल रहा होता भाईजान मेरे पैसे दियो क्लियर आवाज आ रही कट रही कट रही नहीं अजय भी नहीं अच्छा जान छुड़ा आना से भी कहता था। मैं थानो कल शाम नु करांगा <laughs> अच्छा आ, मुझे बता ये कमल साहिबा कि इससे फर्क पड़ता है मोबाइल की पोजीशन चेंज करने से जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट चीजों से इफेक्ट होते हैं मेटल से भी इफेक्ट होते हैं आ, पानी से रिफ्लेक्ट होते हैं बॉडी में हमारा काफी ज्यादा पानी होता है तो इससे फर्क पड़ता है डिपेंग... पैसे लेने और देने से भी इफेक्ट होते हैं हैं जो अभी कह रहे जब बंदा बीवी के पास के पास बैठ फोन सुन रहा था, उस वक्त सिग्नल को क्या बीमारी होती है सारे आ रहे होते हैं सारे आ रहे होते हैं जब बीवी के पास बंदा बैठ के फोन हाँ। सुन रहा होता है तो आवाज जो है ना खास तौर पर अगर कोई जनाना आवाज हो वो मोबाइल फाड़ फाड़ के बाहर आ रही हो और दूर बैठी वो सुन भी लेती है सिग्नल मतलब क्यों इस तरह तेज हो जाते हैं भाई ये तो मुझे लगता है कि ये कोई बीवियों के हक़ में ही होते हैं अच्छा किसी वक्त ऐसा भी होता है मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कोई मैसेज आया ना तो मेरी बीवी फ़ोन उठाती है मुझे ये भी लग रहा होता है कि मेरा मैसेज उधर चला गया मैं तो आपको बता रही हूँ ये फोर जी फाइव जी सारे बड़े फेमिनिस्ट है। अच्छा कंवर जी बस साहब ये पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट की स्पीड का बहरान है बहरान ही कहना चाहिए ये पूरी कौम को परेशान किए हुए हैं तो इससे जाती तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान तो कवल चीमा को नहीं हुआ मुझे क्यों? इसलिए कि जो चैनल खोल लें जो भी हम पॉडकास्ट देख लें जो चैनल देख लें उस पर हर तरफ आप ही बैठी हुई हैं और आईटी पे कॉम को आप गाइड कर रहे हैं <laughs> <laughs> तो मेरा ख्याल है कि एक दिन में आप डेढ़ सौ जगह पे अपीयर हो रही हैं बस अल्लाह की मेहरबानी है नहीं उसकी एक वजह ये भी है ना कि पाकिस्तान में क्वालिफाइड जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सर्व किया हुआ है उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है और आप वो नमक हैं ऐसे ही है न क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना जिन्होंने बाकायदा क्वालिफाइड है इस पर बात करने के लिए हाँ जी हम अब ये जो हमारी इंडस्ट्री है पाशा वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे क्वालिफ़ाइड लोग हैं जो मगर मेरा ख्याल है क्योंकि वो इंडस्ट्री छोटी सी है तो मैं उन्हीं लोगों में मूव अराउंड करती हूँ अच्छा एक तो आपको सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है कि इसलिए भी आपका एक्सपोजर ज़्यादा है कि आपकी शक्ल जो है वो ऐश्वर्या राय से मिलती है सीधी सीधी बात है आप माने ही नावा सिर्फ अच्छा शक्ल ही नहीं माशाल्लाह आवाज भी सेम है अच्छा ये कुदरत का बड़ा एक करिश्मा है कि है। आप मतलब ये इस तरह होता नहीं है अच्छा। कि आपकी शक्ल भी मैच हो रही है और डिटो है और आवाज भी सेम है चलेंगे तो। अब सोशल मीडिया पे काफी सारे जो है वो इसके बारे में कमेंट्स आते हैं कोई आईटी की बात कह रही होती हूं पर मतलब लोग जो है वो शक्ल और आवाज और इस पे लगे हुए होते हैं तो ये लेकिन अंदर से तो आप खुश हो रही होती है लेकिन दोनों काम हो रहे हैं और मेनू भी जो तो बंदा कहता तेरे बोल छोटे मेनू कितनी खुशी है <laughs>